कैथल CIA वन पुलिस ने 60 ग्राम चिट्टे सहित एक युवक को काबू किया है। युवक का नाम अभिषेक है और हुड्डा सेक्टर में इसकी शानदार कोठी है। आरोपी दिल्ली से नशा लाकर महंगे दामों पर बेचता था। इस आरोपी के तार दिल्ली के नाइजीरियन नशा तस्कर से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी स्नेचिंग व चोरी के मामले दर्ज हैं। जी, ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है क्योंकि हमारी जो हरियाणा पुलिस की एक मुहिम चली गई है, हरियाणा पुलिस और कैथल पुलिस की, नशे के विरुद्ध। तो उसी हमारी मुहिम के अंतर्गत हमारी CIA 1 की जो टीम है, इनको काफ़ी बड़ी सफलता एक मिली है। हमने जो मुहिम चलाई है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो सप्लायर्स हैं, जो मेन सप्लायर्स हैं, उन पे हम फोकस करें और ना कि वो व्यक्ति जो या तो खुद नशे का सेवन करते हैं और छोटी छोटी कम मात्रा में जो रखते हैं, उनकी जगह जिनके पास बड़ी मात्रा में NDPS नारकोटिक्स का सामान बरामद कर सके, उन पे हम फोकस करते हैं। तो इसी मुहिम के अंतर्गत CIA 1 की टीम ने ये आरोपी है अभिषेक, जो कैथल का ही वासी है, इसके पास से 60 ग्राम के करीब चिट्टा या हेरोइन जो है, हेरोइन ड्रग, उससे बरामद किया है। ये व्यक्ति की इंटरोगेशन के ड्यूरिंग इसने बताया कि ये जो ड्रग्स है ये दिल्ली से लेके आया है, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो इसका सोर्स है वहाँ तक पहुँच के कौन सप्लायर है जो यहाँ पे कैथल के मेन ड्रग डीलर्स को सप्लाई कर रहा है, उन तक भी हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है जिसको हमने पकड़ा है, इसके ऊपर पहले भी 3-4 मुकदमे दर्ज हैं चोरी और स्नैचिंग के। जी, ये जो हेरोइन पकड़ी गई है, इसकी जो कीमत है लगभग 2,10,000 के करीब इसकी कीमत है। जिसके ऊपर 3 या 4 मुकदमे पहले दर्ज है, वो चोरी और स्नैचिंग के दर्ज है। NDPS का पहला मुकदमा है इसके ऊपर। जी, इस चीज़ के लिए हमने एक जो ट्राई करा है, वो आपको पता होगा कि राज्य स्तर पे भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोगों ने होल्ड करी थी। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय इसमें एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके बाद हिसार में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होल्ड करी थी जिसमें जितने भी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट SPs हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, UP के हैं, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसमें हमने डिस्कस किए थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस चीज़ में हम लोगों ने जॉइंट टीम्स भी बनाई हैं। साथ में एक जो चीज़ है जो हमने यहाँ पे कैथल में करी है, वो ये किया है कि जैसे पंजाब में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी कैथल का व्यक्ति जो पंजाब में NDPS में पकड़ा गया है या कन्विक्ट हुआ है, उनकी हमने लिस्ट ऑब्टेन करी है और उन सबको हम चेक कर रहे हैं एक एक करके कि क्या वो अभी भी NDPS के काम में जुड़े हुए तो नहीं है, और अगर नहीं जुड़े हुए, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो आदमी, जो व्यक्ति इसमें इस तरीके के कार्य में लगे हुए हैं, ताकि हमारा इंटेलिजेंस बेस बढ़ सके और हम इनको पकड़ने में कामयाब रह सके। जी, जो हेरोइन है ये केमिकल नशा है, ये एक टाइप का ओपिएट होता है, बनता ही ओपियम से है, लेकिन केमिकल है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, उसको प्रोसेस करके ये बनाया जाता है हेरोइन, जो नशा है। ये यहाँ पे किसको सप्लाई करने के लिए है कुछ? लोकल तो ये अकेला ही था, लोकल तो इसके साथ कोई और नहीं था, लेकिन जहाँ से ये दिल्ली से लेके आ रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका हमें कुछ पता लग सके उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो जो नरवाना के रास्ते जो कैथल आ रहे हैं वो स्मैक करते हैं सप्लाई। स्मैक और हेरोइन में ये डिफरेंस है कि हेरोइन थोड़ा महंगा है स्मैक से, और प्योर क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी होता है हेरोइन और स्मैक, जबकि केमिकली ऑलमोस्ट सेम है दोनों। स्मैक प्योर क्वालिटी होता है और हेरोइन बेटर क्वालिटी होता है, इसलिए हेरोइन को चिट्टा बोला जाता है। स्मैक अगर आपने कभी देखा हो तो ब्राउनिश, भूरे से रंग का होता है, थोड़ा गंदा लगता है वो। तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने लगातार, हम जीन CIA से भी टच में हैं क्योंकि नरवाना से ये लोग आ रहे हैं, तो अगर उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम जॉइंट रेड्स करने की भी हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे। पर क्योंकि ये जो हेरोइन या चिट्टा जो ये ड्रग है ये ज़्यादा लीथल है, तो अगर आप मतलब हेरोइन का चिट्टा अगर हम 60 ग्राम पकड़ रहे हैं, तो ये मैं 100 किलो भुक्की पकड़ने के बराबर मानूंगी।
तो इस तरीके से है। लेकिन और सबसे ज़्यादा डेंजरस जो नशा है वो ये नशा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये केमिकल ड्रग है। जो ऑर्गेनिक ड्रग होते हैं वो उतने हार्मफुल नहीं होते जितने केमिकल ड्रग्स होते हैं। केमिकल ड्रग्स में मिक्सिंग भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ड्रग के हानिकारक इफेक्ट हैं वो तो एक व्यक्ति को इफेक्ट कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो उनके और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो ड्रग से रिलेटेड नहीं है, पर उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है किसी भी व्यक्ति को। जी, जो अवैध खुर्दे हैं अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रोज हम लोग रेड्स कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सारे एरियाज में रेड्स हो रही है। मेरे पास अगर कोई भी फोन होता है, कोई भी अगर किसी भी पब्लिक के आदमी का भी फोन आता है, तो इमीडिएटली हम लोग जो एरिया SHO है वो पर्सनली रेड कंडक्ट करते हैं। और काफ़ी जगह हमने देखा है कि पब्लिक की सहायता से हम जो छोटे छोटे खुर्दे गलियों में चल रहे हैं उन्हें हम बंद करा पाए हैं। तो इसके जो इलीगल शराब बिक रही है खुर्दों पे, उन पे हमारी लगातार रेड्स हैं। आप डेली चेक करेंगे, डेली कहीं ना कहीं हम रेड करके किसी ना किसी को पकड़ रहे हैं और शराब इलीगल शराब को जब्त कर रहे हैं। जो नशा की सेवन करने वाली जो बात है उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जो एक आम मंशा होती है कि अगर कोई नशे का सेवन कर रहा है तो उसे उठा के लॉकअप में डाल दो, तो ये वाली जो अप्रोच है ये कैथल पुलिस ने नहीं अपनाई है। क्योंकि जो व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा है उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम उसे जेल में बंद कर दें। एक तो वैसे भी ये इलीगल है, हम उसे जेल में हम बंद नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी उसको जो ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है सहयोग की और सहायता की उसके परिवार से और समाज से, ताकि वो इस जो गंदी आदत में वो फंस गया है, जो नशे के चक्रव्यूह में वो फंस गया है, उससे वो निकल सके। तो हम कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास कोई नशा करता हुआ व्यक्ति हम पकड़ लेते हैं तो हम प्रयत्न करते हैं कि उसकी फैमिली को लोकेट करके, ट्रेस करके उनको वो हैंडओवर करें। उनको हम काउंसिल भी करते हैं कि उसको कोई नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाए ताकि वो दवाइयाँ लेके इस आदत से बच सके। जो भी हम व्यक्ति को पकड़ पा रहे हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये हमें उन्हीं से तो मिल रही है कि वो कहाँ से लेके आए, और जिनका वो नाम देते हैं हम उनसे आगे पूछते हैं वो कहाँ से लेके आए। ये चेन तो हम पकड़ ही रहे हैं जी। ये तो देखिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, अब जो उसके पास हम इलीगल खुर्दा पकड़ते हैं उसको अगर हम चाहते, अगर हमारे बस में होता तो हो सकता है हम साल भर भी बंद रखते, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। जो लीगल कानून है हम उसके दायरे के अंदर ही काम कर सकते हैं। तो अगर वो हमें परमिशन नहीं देता है कि हम उनको अरेस्ट करके, डिटेन करके रख सकें जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में, तो हम उस लीगल दायरे के बाहर काम नहीं कर सकते। अगर वो फिर से खोलेंगे, हम फिर से रेड करेंगे, फिर से पकड़ेंगे उन्हें। ये जो